चाहने वाले राजा को खुले स्थान पर कई मंत्र नहीं करने चाहिए। ध्वनि गूंजने से उस मंत्र के रहस्य को आदमी सुमंत करके उसका अनर्थ कर सकते हैं। और ये चतुर लोग हैं, उन लोगों के सामने भी मंत्र नहीं करना चाहिए। जैसे राजदूत, राजदूत बनाई उसे जाता है जो व्यक्ति के चेहरे को देखकर बात समझता, वही तो राजदूत है। इनके राजदूत कैसे किसी सभा में जाए, वहां के राजा को अपनी चतुराई से बस कर ले और अपने राज्य की बात को आगे ना व्यक्त करे, ऐसा चतुर राजदूत है। तो राजदूत के सामने तुम कोई बात कर रहे थे, ऐसे लोग हैं तुम्हारे मुख की आकृति को, हाव भाव को देख करके अंदर की बात समझ जाते। वो आपके अंदर की बात समझे, उन्होंने बाहर फैला दिया, तुम्हारा मंत्र तो बाहर निकल गया, अब सिद्धि कैसे होगी? मंत्र गूढ़ होते, जैसे कोई गुरु ने मंत्र दिया उसको मित्र को भी नहीं बताना चाहिए, माता पिता पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मंत्र है। मंत्र की सिद्धि तो शांत एकांत और अंतरंग से होती है। अब मुस्कुरा गए, अरे आज मुझे मंत्र मिला, मंत्र मिला, तुमने हल्ला कर दिया, सारा मंत्र समाप्त। मंत्र मौन होता है, मंत्र अंतरंग भी होता, मंत्र शुम के लिए होता है। गुरु ने मंत्र दिया है, वो कोई भी मंत्र दिया हो लेकिन उसे विश्वास होगा तो तुमको नियम से सिद्धि होगी। और आप, ये तो मैं रोज पढ़ता हूं, अरे भाई रोज तो पढ़ते हो, आटा तुम्हारे घर में रखा है तो स्वाद तो तुम नहीं भर पा रहे, किसने क्या पकवान बनाया तब मालूम चलता है इसमें क्या स्वाद। ऐसे बीजाक्षर तो सबके पास रखे हुए हैं, गुरु उसमें भावना भर के देता है तो सिद्धि होती है। अब सुन लिया किसी ने, अरे ये मंत्र दिया था चलो हम भी देते हैं। तो मंत्र दे तो बोलना जानते हो, पर अंतर की विशुद्धि भावना कैसे भरेगी? तो ये जो मांत्रिक लोग रहते हैं वो गूढ़ होते हैं और पर से प्रभावित नहीं होते, पर से प्रभावित नहीं होते। कुछ लोग रो रो करके आते हैं तो उसको अपनी पूरी संपत्ति दे दे उसको, वो जो संपत्ति दे देगा मालूम, भिखारी माला माल हो जाते हैं और दाता कंगाल हो जाता है। कब? जब मायावी भिखारी आते हैं, रो रो के दिखाते हैं, सब लूट ले जाते हैं, और वो तो घर घर में लूटते हैं ऐसा, वो तो माला माल है और दाता कंगाल है। तो राजा का कर्तव्य है सर्वास सागर जी कि तुरंत शीघ्र किसी से प्रभावित न हो, क्योंकि जगत महिला स्वभावी है, वैसे कामना तो रो के बनाता है, कुपित होके बनाता है। रूठना और रोना दो महिलाओं का सुंदर धर्म है, रूठ जाना और रो के दिखा देना, बस दोनों से अपना काम निकाल। जैसे बच्चे रहते ना तो चिल्लाते हैं, रूठते रोते हैं, जब छोटा सा बच्चा भूखा होता रो के तो अपना काम करता है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे मोह बनाते हैं, वो अंतरंग में मस्त रहते हैं, अपने सामने वालों को लूटो लूटो जितना लूट सको। इसलिए जो मुखाकृति को जान लेते हैं हस्त आदि के संचालन से, तो ये 26वें 27वें सूत्र में कहा, तो ऐसे स्थान पर कभी भी जन सामान्य हो वह कोई मंत्र न कर शांत। और मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, मंत्र गुप्त होगा तो जल्दी सिद्ध होगा। ऐसे जब तक कार्य की सिद्धि ना हो जाए तब तक आचार्य महाराज कह रहे हैं अपने मंत्र को गुप्त रखे। मंत्र अकार सिद्धि रक्षित व्यो मंत्रा, तो जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक मंत्र को सुरक्षित रखना चाहिए। रक्षित व्यो मंत्रा, विष भक्षण के केवल खाने वाले व्यक्ति को, विष भक्षण खाने वाले को मात्र
खड़ग आदि शस्त्र आदमी को मारते हैं, परंतु धर्म का नाश या मंत्र का भेद समस्त प्रजा को, पूरे देश को, राजा को नष्ट कर देता है। सुनिए ध्यान से, किसी व्यक्ति ने विष खाया अथवा खिला दिया तो जिसने खाया वो ही मरेगा, अथवा जिसको खिलाया वो मरेगा। खड़ग है, अस्त्र शस्त्र है, तो एक आदमी को मारता है, लेकिन राज्य का कोई गुण मंत्र बाहर फैल गया तो पूरी प्रजा को मार देगा, राजा को ही मार देगा। जो तो मंत्र मंत्रण कर रहे थे बाहर प्रकट हो गई, बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी। इसलिए समाज पर, पूरी समाज पर विपत्ति, राज्य पर विपत्ति, देश पर विपत्ति आ जाएगी, तो राजा का मंत्र गुण होना चाहिए। आज भी कितना विश्वास है देश में एक दूसरे के ऊपर, आज ऐसे काल में भी। और सुनिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या आयुशाला में रहते हैं क्या? विश्व के राष्ट्रों के पास अणुबम है, कितने बड़े बड़े बम है, अस्त्र शस्त्र है, वो कौन संचालन कर रहा है? तुम जैसे बच्चे कर रहे बेटा, युवा, अरे ये उसके अंदर जो रहने वाला एक वाकी बुद्धि खिसक जाए तो देश बर्बाद हो जाए। कोई शत्रु देश को रहस्य खोल दे तुम्हारे देश का क्या होगा? तो उन बच्चों का संयम देखिए आप। सुनो महात्मा, ये सीखने की बात है, उनका संयम देखिए आप। एक बालक के नागपुर का पता, बिल्कुल तुम देखो तो पागल जैसा दिखता है, वो बहुत बड़ी भारत की आयुधशाला को संभालता है, जैन है, बड़े बड़े नेता मिलने आते बेटे उससे, जो मुख्य नेता, देश के शीर्ष नेता, समझ जाना आप, वो सब उससे मिलने आते, आकर के बात करते। लेकिन बच्चा किसी को रहस्य नहीं खोलता, कितनी देशभक्ति है। ऐसे धर्म भक्ति होना चाहिए, संघ भक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने सुब्रत साज का भाई ऐसा कैसे हो गया, मालूम चला बात इतनी सी थी, बाहर संगम पहुंच चुकी है, भेजने वाले कौन है, यहीं बैठे मिले। तो ऐसे लोगों को आप कैसे आप विश्वास कर सकते हो? अच्छा, पता तो राजा कर ही लेता है, ये बात किस किस की फोनों पर चलती है, कौन करता है। तो इस प्रकार से जैसे कि आप आपस की बात कर रहे हैं ना रोहित, वो कोई को चाहिए कि क्या बात कर रहे थे, तो तुम्हारी सामान्य बातें भी मिल जाएंगी। बड़े बड़े केस होने पर मोबाइल क्यों पकड़े जाते हैं? बड़े बड़े छुपे लोग मोबाइलों से पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसा है कि सोचो, जबलपुर, भोपाल जैसे सिटियां, पता आपको पूरा जबलपुर के नीचे अस्त्र अस्त्र भरे पड़े। तो मध्य प्रदेश मध्य में है ना, इसे सुरक्षित रखा जाता है, मध्य में है, कोई को पता ही नहीं चले, ऊपर भवन बने हुए हैं, गाड़ियां चल रही हैं, खेती हो रही है। ऐसे तो राष्ट्र की सामग्री सुरक्षित रखना पड़ती है। तो इतने गहरे में आप अपने, समझ में आ रहा कुछ? अभिनंदन को कितनी त्रास दी गई पाकिस्तान में, उसमें सारे कागज छवा गया, और इतनी त्रासदी के बाद भी देश का रहस्य नहीं खोला,
आज कोई तुमसे दो आते प्रेम से करके चला जाए तो एक साधक दूसरे साधक की पूरी उगल दे। सुब्रत सागर जी एक बहुत बड़े महात्मा ने हमारे बड़े संघ से एक त्यागी को पकड़ा, राजनीतिक रहस्य ये होते हैं, और पकड़ करके वो हिलक जी थे उनका चातुर्मास करा दिया अपने आदेश से और बड़ा स्थान दिया महात्माओं ने उनको। अंदर के रहस्य सीखने समझना थे, वो रावण नीति थी। वो रावण ने क्या किया, जो रावण को अपना पति बनाना चाह रहे थे उपरम्मा, उपरम्मा को बुला लिया, उसे सारे रहस्य निकलवा लिए कि नगर कैसे भेजा जाए। जैसे इजराइल का जो सिस्टम है ना, ये तो कमजोर पड़ेगा, लेकिन नल कुमार ने पूरे अपने नगर में परकोटे को बना के रखा था। ये प्राचीन पद्धतियां हैं, परंतु किसी को रहस्य पता नहीं था। संसार में हर बात पत्नी को नहीं बताना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, सुनना ना गांधी, नहीं एक दिन पिघल जाए वो, पोटली बांध के भग जाएगी। फिर ऐसी बहुत सारी शादियां हो रही हैं, 12 बजे तक बात करेंगे, जब तुम सो गए उसने पटन बोली पांटी और भग गई। कई लोग कंगाल कर गई पत्नियां, वो मालूम है कि ऐसे गैंग पकड़ी सुब्रत सागरी ग्वालियर में, उसने 5 जगह शादी की तो सूचना मिली, और जगह भी की होगी, एक महिला ने 5 जगह शादी की और 5 जगह से बटोर बटारे करके आखिर में ग्वालियर में पकड़ी गई। ठीक है ना, तो ऐसे ही जगत ऐसा है। ये सील सीता के गए लोगों के पास नहीं बचे, वो इस प्रकार शादियां कर करके उसको फंसा कर सब बटोर लगी। अब माना कि देखो चतुर्थ काल कहां राम का काल था, मुनि सुब्रतनाथ का काल था, पर वासनाएं कोई काल नहीं देखती। नलकुमर की पत्नी उपरम्मा, वो मालूम पूरा रहस्य रावण ने निकलवा लिया, और बाद में कितना चतुर रावण निकला, बोले मां आपने मुझे विद्या दी है, आप मेरे गुरु हो चुके, मां गुरु मां, ये कैसे हो सकता है। उसे टरका दिया, बोले वापस भिजवा दिया, बोले रहस्य खुलने ना पाए इसका, नलकुमर को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसी एक एलक महाराज को एक संघ विशेष ने पकड़ा सुब्रत सागर जी, और संघ के पूरे रहस्य निकलवाए, पूरे रहस्य निकलवाए, मेरे पास पूरी सूचना। इसके बाद मैं देखता देखो कब तक सहयोग करते हैं, और दूसरे चौमासा लगने पहले लात मार के भगा दिया, बोले सब पता कर रही, अब तुम जाओ यहां से, कुछ नहीं बचा उनके पास। तो ये संसार है बहुत विचित्र। मैंने आपसे कहा ना मेरे पास 25 वेद इकट्ठे भोपाल में टीटी नगर में, मैंने कहा ये हमारे इतिहास कब से बन गए, 25 आए 25। हम कि आप जाइए, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको बात कर लेंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लो। बोले हम आपकी रक्षा करना चाहते हैं। मैंने कि मेरी रक्षा कौन करेगा, ऐसे पंचलमुख कार सब पाप नाशन मंगला नाम सब विस्फ्रम वही मंगला, ठीक है, विघ्न हुआ पुण्यंती साकनी भूत पुनगा विश्व निपस्ता सुमान्य जिनेश्वरी, ऐसा मैं बोल करके उनको खिसका दिया। तो ऐसा है, अपने आप में शक्ति होना चाहिए, नहीं तो तुम एक मिनट में धर्म के प्रति है कि नहीं, जरा सा दुलार दिया यहां की बात वहां फैला दी, जरा सा दुलार मिला वहां की बात यहां फैला दी। ओह, तो ये जीवन में ध्यान रखना कि जैसे भारतीय सेना का सैनिक अंदर का आदमी देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, उसे प्राणों की चिंता नहीं है, अपनी पत्नियों से बोल के जाता है कि आऊंगा तो मिल पाऊंगा नहीं तो विदा, माता पिता से भूल के जाता है, आप लोग तो माता पिता से परिवार से पूर्ण विदा लेके आए हो, मैं जिन शासन के लिए जा रहा हूं यहां प्राण दूंगा पर प्रण नहीं तोड़ूंगा, वो अंदर की बात बाहर नहीं फैलाऊंगा, उपगुण का पालन करेंगे। आकाश रक्षा भी मन था, इसे मंत्री की रक्षा करना चाहिए। शेष आगे विचार के 28वां सूत्र हुआ।